दोस्तों, मैंने तकरीबन 1.25 कप दूध लिया था, जिसमें से 1 कप लग गया है, थोड़ा सा ही बचा है। और पहले हम इसे ढककर छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी डाली तो वो फूलेगी। 10 मिनट बाद फिर हम ये जो बचा हुआ दूध है ये भी डाल देंगे और बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। तो इसको मैं ढक रही हूँ और छोड़ रही हूँ 10 मिनट के लिए। इतने में आप प्री हीट कर लीजिए, यानी कि पतीले को गर्म कर लीजिए 10 मिनट के लिए। इतने में हमारी सूजी और ब्रेड क्रम्ब का जो हमने मिक्सचर बनाया है ये भी अच्छे से फूल जाएगा। अभी जो बचा हुआ दूध है ये भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए, ज़्यादा हमें पतला नहीं चाहिए क्योंकि ब्रेड क्रम है, तो इस तरह का हमें चाहिए टेक्सचर। एक इस तरह का पत्ता ले लिया स्टील का, उससे मैंने ग्रीस कर रही हूँ और इसे। इसे हम रख देंगे प्री हीटेड पतीले में आधे घंटे के लिए दो फ्लेम पर। देखिए, मैंने यहाँ रखा है ढक्कन से छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, फोर 30 to 40 मिनट्स। देखिए दोस्तों, इसको बनने में लगे हैं तकरीबन 40 मिनट दो फ्लेम पर, और ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल क्लीन है। इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे डिमोल्ड करेंगे। इसे एक साफ़ सुथरे ड्राई कपड़े से ढककर रख दीजिए 10 मिनट के लिए, और जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे।